आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। गोरखपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति, गोरखपुर की छवि के बारे में, गोरखपुर की जनता को मिलने वाली सुविधा के बारे में क्या स्थितियां थी, बिजली नहीं मिलती थी, सड़कें खराब थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई गोरखपुर में आना नहीं चाहता था, निवेश नहीं करना चाहता था, गोरखपुर के नाम से ही देश और दुनिया के लोगों के मन में एक भय पैदा होता था कि अच्छा गोरखपुर के। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 5 साल के अंदर गोरखपुर की इस बदली हुई छवि को आपने देखा, आज कहीं भी आप जाएंगे गोरखपुर का नाम लेंगे तो लोगों के मन में एक सम्मान का भाव आपके प्रति सतत जागृत होता है और आप सब लोग एक उस भाव के साथ कहते हैं अच्छा आप गोरखपुर से हैं, एक सम्मान का भाव, इस सम्मान को बरकरार रखना। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे, अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इसको बनाए रखना और इसमें अभिवृद्धि करना, ये हर नागरिक का दायित्व है कि मेरा नगर, मेरा कस्बा, मेरा गांव, मेरा प्रदेश और मेरा देश इस सम्मान के लिए सदैव लोगों के जवान पर उसके प्रति अच्छा भाव पैदा हो। इस दृष्टि से हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें सहयोग करें। याद करिए 1990 में गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया था, और मैं बार बार कहता हूं कि अगर बियाड़ी मेडिकल कॉलेज, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, अगर इस मेडिकल कॉलेज पे पहिया होते तो इसको विपक्षी सरकारें कब का गोरखपुर से हटा करके अपने यहां लेकर के चले गए होते। लेकिन भाइयों बहनों, आज गोरखपुर में न केवल 1990 में बंद खाद कारखाना फिर से चल चुका है, बल्कि वर्तमान में 105% के रेट से वहां उर्वरक उत्पादन के कार्य के साथ भी जुटा हुआ है। अन्नदाता किसानों को कोविड कालखंड में पूरी दुनिया के अंदर फर्टिलाइजर और रसायन की भारी किल्लत है, पेस्टिसाइड की भारी किल्लत है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में भारत के अंदर कमोवेश इसकी पूर्ति की गई और उर्वरक कारखाने जो पिछली सरकारों के समय बंद हो चुके थे उन्हें चलाने का कार्य किया, जिसमें गोरखपुर का खाद कारखाना भी आज गोरखपुर में फिर से चालू हो चुका है। बियाड़ी मेडिकल कॉलेज की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। आज आप जाइए वहां पर, आज से 5 साल 7 साल पहले क्या स्थिति थी, आज वहां बाल संस्थान बन गया, आज वहां सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है, आज बियाड़ी मेडिकल कॉलेज में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं हुई है, और साथ साथ गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आज एम्स बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है, और गोरखपुर देश के उन चुनिंदे शहरों में है जिनमें जो शिक्षा के बेहतरीन हब के रूप में स्थापित हो रहा है। 4 विश्वविद्यालय किसी जनपद में हो तो अकेले गोरखपुर जनपद में है, और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। वही हो गया, कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हुई है, आप लखनऊ से आइए 4 लेन की कनेक्टिविटी, और एक बार एक केवल गोरखपुर बस्ती अयोध्या होते हुए नहीं, अब तो आपको गोरखपुर आजमगढ़ अम्बेडकर नगर होते हुए भी एक नई कनेक्टिविटी लखनऊ के लिए प्राप्त हो रही है। लखनऊ के अलावा वाराणसी के लिए कनेक्टिविटी हो चुकी है, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी, जो दूरी पहले आपको 6 से 7 घंटे करने में, पूरी दूरी को तय करने में लगते थे, आज 2.5 से 3 घंटे के अंदर उस दूरी को आप तय कर सकते हैं। नेपाल की दूरी बेहतरीन हुई, उसको और अच्छा करने का प्रयास हुआ है। गोरखपुर से देवरिया कुशीनगर की दूरी को और बेहतर किया गया, उस कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया, ट्रेन की सुविधा हो या वायु की सुविधा, वायु कनेक्टिविटी की सुविधा आज गोरखपुर के अंदर उसमें बेहतरीन सुधार हुआ है। बुनियादी सुविधाओं की जिससे सिटी के अंदर ही आप देखेंगे, कोई सोचता था गोरखपुर शहर में भी कभी 4 लेन की सड़कें बनेंगी, आज बियाड़ी मेडिकल कॉलेज मार्ग हो, सोनौली मार्ग हो, या फिर देवरिया बाईपास को आज हम लोगों ने 4 लेन की बनाने के शिलान्यास कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है, आज हम उसका शिलान्यास कर रहे हैं। आजाद चौक पर
जहां पर उसका मुंड हवा पड़ता है वहां पर हमेशा जाम दिखता था, और वहां पर एक फ्लाईओवर 6 लेन का फ्लाईओवर बनेगा और साथ साथ वहां पर देवरिया बाईपास के लिए भी एक 2 लेन का फ्लाईओवर अलग से वहां पर आएगा, जिससे जाम की समस्या का समाधान सर्वथा समाधान हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे हर एक मार्ग को 2 लेन को 4 लेन में, सिंगल लेन को डबल लेन में, 4 लेन को 6 लेन में बनाने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के समाधान के लिए भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए न केवल बेहतरीन सेंटर दिए गए हैं, बल्कि इसके उन कारणों को जिन कारणों से इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी होती थी उन सभी का समाधान भी स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे परियोजना जैसी प्रधानमंत्री जी के और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में उन्हें लेकर के आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे, अचानक से ये 2 गुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।